पीएचडी इतिहास जबान शरुख शिकार पीडीपी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरन दरमियान अखिस्तान दिन शुरू। इंडियन फाउंडेशन तरफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सन्स जम्मू कश्मीर में तरक्की हिंस वत हमवार लूकन हिंदिस सोचस में तब्दीली मनोज सिन्हा। तारगोम त्रालस में मेव बागन सकेब नाल वोलमुत बाग वाल परेशान हार्टिकल्चर महकम कन जिम्मेदार इलाकस कुन जोन दिन अपील। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कशिर खबरनामे हेथ चुस साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मंज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। इंडियन फाउंडेशन तरफ यति जम्मू कशीर हिंस तमीर तरक्की हवाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुंद सांस करना आव। तच कॉन्फ्रेंस दौरान एलजी मनोज सिन्हान वोनमुत जी यति पतिमेन केंसन वरियन दौरान जम्मू कशीर मंज तमीर तरक्की हिंस वत हमवार सपज तच तिथ के फैसले निन आमुत यम सत जम्मू कशीर तो खास कर वादी कशीर हिंदन लूकन हिंदिस सोचस मंज सठा तब्दीली वुचन छिवान। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले दो तीन दिन पूर्व की घटनाओं ने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। 34 साल में जो असंभव लगता था वो 27 और 29 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार लोगों ने बड़े जोश से मनाया और मुझे लगता है कि इसकी व्यापकता को समझने के लिए जम्मू कश्मीर के आंतरिक और बाहरी दोनों बदलावों को देखना जरूरी लगता है। पिछले कुछ महीनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जैसे G20 का सफलतापूर्वक आयोजन, देश भर के सभी प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दो दिन की कॉन्फ्रेंस, सभी राज्यों के डेयरी मिनिस्टर्स और भारत सरकार के डेयरी मिनिस्टर्स की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, ऐसे अनेक आयोजन पिछले 2 महीनों में श्रीनगर में हुए। मुहर्रम का 8वें दिन का जुलूस 34 साल बाद 27 जुलाई को और 29 जुलाई के कार्यक्रम में मैं स्वयं था असूरा के जुलूस में। स्थानीय नागरिकों का जो उत्साह था और जिस तरह से बढ़ चढ़ करके G20 के आयोजन में हिस्सा लिया था यहाँ के लोगों ने, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ अनेक विशेषज्ञ बैठे हैं, कि इस तरह का कोई इंटरनेशनल इवेंट कभी पहले हुआ था। कई लोग उसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं लेकिन अब कई लोग दूसरी बात कहने लगे। पहले लोग कह रहे थे कि साहब ये G20 का इवेंट, वैसे ये मेन इवेंट नहीं था, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, लेकिन देश में ही नहीं देश के बाहर भी इसकी चर्चा ज्यादा हुई। अब लोगों का विचार बदल गया है, उन्होंने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर के कोने कोने में गांव शहर में मुहर्रम का प्रोसेशन जिस तरह से निकला जिस उत्साह से, वो 20 G20 मीटिंग की सफलता के बराबर है। 4 वर्षों में क्या बदला है मैं उस पर कुछ बात कहूं। मैं 2 ट्वीट जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने किए उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 27 जुलाई को जब प्रोसेशन निकला 8वें दिन का, तो एक यहीं के स्थानीय नागरिक का ट्वीट मैं पढ़ना चाहता हूँ। कश्मीर स्टैंड्स रिवर्स्ड टू प्री 1989 एरा विद द इनिमीज नैरेटिव पिन प्रिक्ड फॉर गुड। व्हाट गवर्नमेंट हैज एंडेड अप अचीविंग टुडे सरपासेस द सक्सेस ऑफ मोर देन 20 G20 इवेंट्स। एक दूसरा ट्वीट यहाँ के स्थानीय नागरिक का, वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मुहर्रम प्रोसेशन हेल्ड इन श्रीनगर आफ्टर 3 decades, द रेडिकलाइजेशन इन कश्मीर वॉज स्पॉन्सर्ड बाई ए फ्यू ग्रुप्स
for their own political gains. But now, the violence is history. Kashmir is focused on development. मुझे लगता है कि इन दोनों ट्वीट्स में कश्मीर के आम आदमी की भावना परिलक्षित होती है, और ऐसे हजारों ट्वीट्स हैं जिन्हें पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक न सिर्फ स्वतंत्र रूप से सोच रहा है, बल्कि अपने भावों के उद्गार को व्यक्त भी कर रहा है, और अब अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की कोशिश भी। श्रीनगर में आज पेस्ट्रोलिज्मस यानी चाव चारवे रचन वाल हवाल दोन दोन हिंद वर्कशॉप सांस करना आमुत यथ मज एल जी मनोज सिन्हा सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स तो दोमो जिम्मेदारों अलाव प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स तो शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों तो महिरो तो कबैली लूको शिरकत कर आत मौकस पे ये एल जी मनोज सिन्हान वर्कशॉप दस तुल तु तमो भगवान कृष्ण हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईसा अलैहिस्सलाम हिंद जिक्र करान वोनमुत जमो काबिल एहतराम शख्सियतो तरफ तन जिंदगी मज चाव चारवे रचमित जन सानि बापत अख नसीहत तल जन तमो वोन मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ खानबदोश कबैली तो जंगलन मज रोजन वाल लूकन हिंद बापत कया कदम तुलना आमुत युत जन पन जिंदगी आसानी सान गुजारित हकन डायनामिज्म के साथ साथ चरवाहा और घुमंतू पशुधन का ये व्यवसाय ये विभिन्न इकोसिस्टम संस्कृति परंपरा हमारे अतीत और हमारे प्रकृति नेचर के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो अस्तित्व और प्रकृति की नज़दीकी की वजह से हमारे देश में जो महापुरुष हुए और देश में नहीं दुनिया में अलग अलग उपासना पद्धति के जो भी हमारे आराध्य देव हैं आप अगर गौर करेंगे तो वो सभी चरवाहा थे। इसमें पास्टोरलिज्म की महत्ता के रूप में आप इसे देख सकते हैं, प्रकृति के संरक्षण से इसे आप जोड़ सकते हैं, और जीवन में उनकी सादगी ऐसी है जिससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे यहाँ बात कही जाती है कि जाकी रही भावना जैसी हरी मुहूर्त देखी तिन तैसी। भगवान कृष्ण की चर्चा करेंगे तो पैगंबर मोहम्मद की चर्चा करेंगे तो और ईसा मसीह की चर्चा करेंगे तो ये तीनों चरवाहे थे, और इसलिए ये कहा जाता है कि हर युग का इतिहास यही है, अपनी अपनी भेड़ें चुनकर जो भी चरवाहा होता है उसके सर पर नील गगन की रहमत का साया होता है। अब ये कविता मैंने इसलिए पढ़ी कि इसके सौंदर्य बोध में रोमांटिसिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। इनकी जिंदगी कितनी चुनौतीपूर्ण रही है बावजूद इसके सदियों से इतिहास के पन्नों ने भी उनके जीवन को वो प्रमुखता नहीं दी जिसके वो हकदार थे। रोड पर हाईवे पर जंगलों में अपने मवेशियों के साथ जा रहे परिवार को देखकर लोग सोचते जरूर हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इन्हें जाना कहाँ है, ये भोजन कहाँ करेंगे, इनके बच्चे कहाँ सोएंगे, ये पढ़ेंगे कैसे। तमाम सोच उनके गुजरने तक मौजूद रहता था, फिर कहीं न कहीं विस्मृति हो जाती थी। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में जाएंगे तो किताबें कम मिलती। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है इस व्यवसाय से जुड़े जो समुदाय के लोग एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में, कोशिश ईमानदारी से कोशिश पिछले 3-4 सालों में की गई है। देश के बाकी हिस्सों में जो कार्यक्रम उनके लिए चल रहे थे वो कार्यक्रम यहाँ भी अच्छे ढंग से चले, और समय नहीं कि उस पर उसके विस्तार में मैं जाऊं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि संतोषपूर्वक आज इस बात को कहा जा सकता है कि पिछले 3-4 वर्षों में इन समुदाय के लोगों के जीवन में बदलाव आवे इसकी शिद्दत से ईमानदारी से संवेदनशीलता के साथ कोशिश की गई है।
यपर शाहिद इकबाल चौधरी अत मौक पे वोनमुत यह खुशकस्मती हिंस कत अमे हवाल गोडनिश कॉन्फ्रेंस जम्मू कशीर में सपजम जन तमो वो यम लूक आज तम सिर्फ वोट बैंक बापत इस्तेमाल करना ताहम मौजूद हुकूमत तरफ इन लूकन हिंस बहबूदी हवाल कया संजीद कदम तुलना आम। आप सबका मैं वेलकम करना चाहूँगा और शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए आज हम यहाँ जुड़े हैं, हम इकट्ठा हुए हैं, उसकी सदारत अगर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब कर रहे हैं वो ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सीरियस मोस्ट एफर्ट्स हैं पेस्टोरल पॉलिसी के लिए और इसको सपोर्ट करने के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट 2026 जिसका रेजोल्यूशन मार्च 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने किया, उससे एक साल पहले काफ़ी इकदाम ऑनरेबल अजी साहब की सदारत में यहाँ पर शुरू ऑलरेडी हो चुके थे, जिसमें से कुछ मैं समरी यहाँ ब्रीफ करूँगा। हम सब कौन यहाँ पे आज इस हॉल में जुड़े हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है और हम इकट्ठे क्यों हैं। आज हमारे पास यहाँ रिसर्चर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, मीडिया के साथी हैं। ये दर्शाता है कि यूनानिमिटी है इस अप्रोच में, एक डिसीजन जो हम करना चाहते हैं कि एविडेंस बेस्ड पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए और रिकोगनाइज करने के लिए पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को जम्मू एंड कश्मीर में इनका रोल यहाँ की इकोनॉमी में जो प्ले करते हैं। हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड जो है वो एक सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है कि सभी मुल्कों में इसके प्रोग्राम हों, बल्कि रीजनल और लोकल लेवल पे क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे हमारे कम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ माइग्रेट करती हैं, जो स्टेशनरी हैं, बॉर्डर एरियाज़ में हैं, हिली एरियाज़ में हैं, तो सभी कम्युनिटीज़ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी पॉलिसी बने जो यूनिफॉर्मली सबको अप्लाई ना हो, कि एक वेरिएबिलिटी, जैसे अभी हम वीडियो में बात कर रहे थे या विवेकानंदन जी अपनी प्रेजेंटेशन में बात कर रहे थे, वो वेरिएबिलिटी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में लाने की जरूरत है और इनका रोल जो है वो एक्नॉलेज करने की जरूरत है। आज एक दिन की जो वर्कशॉप है और उसके बाद एक दिन का जो फील्ड विजिट होगा उसमें एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनेगी और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब ने कंसेंट किया और मुल्क भर में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। पेस्टोरल कम्युनिटीज़ की सिग्निफिकेंट में एक पर्सनल और इमोशनल बात करना चाहूँगा, ये मैं सोच के नहीं था आया, बट लगभग 10 साल एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर सर मैंने काम किया है जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। पेस्टोरल कम्युनिटीज़ का जिक्र हम तब करते हैं जब हम इलेक्टोरल प्रिपेयरनेस करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स की हम बात करते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये लोग पहाड़ों से कब आएंगे या पहाड़ों पर कब जाएंगे, तो इलेक्शन का टाइम वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो वक्त बदला है और पिछले 3-4 साल में सिर्फ इलेक्टोरल इंपॉर्टेंस के बियॉन्ड जाके सोशो कल्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस क्या है, इन्वायरमेंट में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो रेंज लैंड और इकोसिस्टम सर्विसेज ये कम्युनिटीज प्रोवाइड कर रही हैं वो क्या है, उस पर काफ़ी चर्चा हुई, उस पर बात हुई, उस पर पॉलिसीज बनी, प्लान बने, और आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि आज इनका रोल सोसाइटी के हर एक हिस्से में एक्नॉलेज किया जा रहा है। मुझे लगता है अभी भी हमारे पास शुरुआत है क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा हैं जिसपे हमें काम करने की। पीडीपी लीडर वहीद परान ये वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से सिर्फ इलेक्शन यहां तत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद यूथ लीडर सलमान सागरन दिन आमत बयानस हवाल अफसूस इजहार करान वोनमुत यमो लीडरों तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पे इल्जाम आयद कर तम लीडरन पजे पन्ने बेबे मुशुक हन। आज जो हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कुछ लीडर्स के बयान देखे, जिनके फाउंडेशन डे पे हमने आज कुछ तासर सुने उनके, तो हमें अभी तक लग रहा था कि हम एक मुत्तहिदा कॉज के लड़ रहे हैं, एक यूनिटी एफर्ट लगाया था जो डॉक्टर साहब ने शुरुआत की थी, वो जिसने रियासत के सभी लीडर्स को उन्होंने जमा किया था, और हमें लग रहा था हम उस कॉज की ओर इकट्ठे जा रहे हैं। लेकिन आज के बयान से जो लग रहा है, लगता नहीं है कि वो सीरियस है इस चीज को लेके, और कहीं ना कहीं वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं और इसे निकलना चाहते हैं और किसी मौके की तलाश में है। वो आज के बयान से बिल्कुल साबित हो गया कि आप कोई मौका ढूंढना चाहते हैं कि आप इस मुत्तहिदा जंग से बाहर आ जाएं। लेकिन फिर भी अगर आप 1987 की बात करते हैं, जो कि एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव बनाया गया, तो उसको आप अपनी ये जो बनाना चाहते हैं, बैसाखी बनाना चाहते हैं नए सिरे रिवाइवल की, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा जरूर कि मुफ्ती साहब भी जब पीडीपी की सरकारें थी या मुफ्ती साहब यूनियन मिनिस्टर थे, उस वक्त यहाँ मैसेकर्स हुए हैं, उस वक्त यहाँ की शिनाख्त को जितना जख्म पहुंचा गया है। आज हम सुन रहे थे कि वो कासिम साहब की सरकार मिनिस्टर रहे हैं, सादिक साहब की सरकार मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और फाइनली यहाँ बीजेपी को जो लाने वाले लोग हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने एंट्री बीजेपी की कराई, तो वो यही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका बुलंदबाग दावा किया जाता है कि यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए लाया गया है।
छोटे मोटे मसलों की बात करेंगे, चाहे वो ग्रेड ड्रॉपिंग थी, चाहे वो अफसर की बात हुई वो रिमूव नहीं हो पाया, जेके बैंक की अपॉइंटमेंट्स की बात थी, श्रीनगर में अनरेस्ट हो गया, या मैं कहता हूं कि जब 2002 से 2003 तक मुफ्ती साहब की सरकार थी, उस वक्त अनंतनाग बिजबिहारा में ही साउथ कश्मीर में ही कोई 42 के करीब सिविलियंस मारे गए, श्रीनगर में कहीं ऑलमोस्ट 40 के करीब सिविलियंस मारे गए। ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, अगर आप किताबों पूरी देखने को जाएंगे तो इस पार्टी की लीडरशिप का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हमेशा एंटी कश्मीरी रहा है, पूरा कश्मीर नहीं रहा है। लेकिन अभी हम जो है वो एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे जो कश्मीर से छीना गया है, हम उसके लिए हर एक को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे, मगर जो इशारे दिए जा रहे हैं भागने के, इसके लिए हम मजबूर हो रहे हैं उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए जो आज इन तक को बढ़ावा दे रहे हैं। जो नाजरीन कोशिश खबरनामे जारी, इतने तजारती वक्फ़।